वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारी एक धुर जमीन कितनी होती है। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते चलते अपनी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक धुर जमीन में हमारे कितने वर्ग फीट होते हैं, कितने वर्ग मीटर होते हैं और कितने वर्ग गज होते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारी एक धुर जमीन में 67.5 वर्ग फुट होता है। ठीक, एक धुर जमीन में 67.5 वर्ग फुट होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक धुर जमीन में हमारे 6.27 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक, अच्छा, एक धुर जमीन में हमारे 7.5 वर्ग गज होते हैं। 7.5 वर्ग गज होते हैं। अच्छा, और यहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एक बीघा जमीन में हमारे 400 धुर भी होते हैं। एक बीघा जमीन में हमारे 400 धुर होते हैं। अच्छा, ये जो आपको नाप बताई गई है, ये बताई गई है उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले की। ठीक है, ये माप है यूपी के आगरा की। ठीक है, हर जगह की माप अलग अलग हो सकती है और होती है। ठीक, तो चलिए, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि सर हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है, जो कि इनकी जमीन है 11 धुर। उन्होंने क्वेश्चन किया है, सर हमारी जमीन है 11 धुर, ये इनकी जमीन 11 धुर है। कितनी धुर है? 11 धुर उनकी जमीन है पूरी। अच्छा, इसकी चौड़ाई है 40 फुट, चौड़ाई है 40 फिट, यहां से भी और यहां से भी। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि सर इस जमीन की या इस प्लॉट की लंबाई कितनी होगी, हमें ये जानना है। तो चलिए अब हम उसको समझ लेते हैं कि इस प्लॉट की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अभी अभी हमने सीखा था कि एक धुर बराबर 67.5 वर्ग फुट होता है। एक धुर बराबर 67.5 वर्ग फुट होता है, इसलिए 11 धुर बराबर क्या होगा, हम क्या करेंगे, 11 का गुणा कर देंगे 67.5 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 11 पंजे 55, 5 हासिल आ गया, 11 सत्य 77, 77 और 5 82। ठीक है, 8 आ गया, 11 छीन 66, 66 और 8 74। तो यहां पर आ जाता है हमारा आंसर, एक दशमलव और लगा देंगे पीछे से, एक अंक के बाद यहां पर है ना दशमलव का चिन्ह, यहां लगा देंगे 742.5 वर्ग फुट। मतलब उनकी जो जमीन है 11 धुर या 742.5 वर्ग फुट, ये उनकी जमीन है। ठीक है, अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है 40 फीट। हमें इसकी क्या निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए हमारी जमीन कैसी है, आयताकार है, और आयताकार जमीन का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इधर लिख लेंगे, जमीन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, क्षेत्रफल कितना है 11 धुर, और 11 धुर क्या हमारे कितने वर्ग फीट बने, 742.5 वर्ग फीट, यहां लिख देंगे 742.5 वर्ग फीट। लंबाई हमको निकालनी है इस जमीन की, चौड़ाई हमको पता है 40 फीट, तो चौड़ाई की जगह हम चौड़ाई रख लेंगे। तो लंबाई निकाल लेते हैं इस जमीन की, लंबाई बराबर 742.5 बट्टे 40 का भाग लगा देंगे। ठीक है, भाग लगा देते हैं 40 से, 40 से भाग कर लेते हैं हम 742.5 का, तो यहां पर हमारे प्लॉट की लंबाई आ जाती है कितनी, 18.56, दशमलव के बाद केवल दो अंक ले लेते हैं, 18.56 फुट, ये फुट में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, हमारी जमीन कितनी थी 11 धुर, चौड़ाई कितनी थी 40 फुट हमको दे रखी थी, हमें लंबाई निकालनी थी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 18.56 फुट आ जाएगी इस प्लॉट की लंबाई। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हमारी एक धुर जमीन कितनी होती है। अच्छा, एक धुर जमीन में अगर हमारे प्लॉट की लंबाई
मान लीजिए हमारी जमीन, ऐसे करके समझ लेते हैं, अगर हमारी जमीन इस तरीके से है और हमारी जमीन है एक धुर, एक धुर जमीन है, एक धुर जमीन का मतलब हुआ 67.5 वर्ग फुट, ये हो गई हमारी जमीन 67.5 वर्ग फुट, ठीक है, ये एक धुर जमीन हो गई ना हमारी। अगर इसकी लंबाई, है कितनी, 20 फुट, कितनी है 20 फुट, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुल क्षेत्रफल में से, क्योंकि ये एक धुर है यानी कि 67.5 है, भाग लगा देना है लंबाई या चौड़ाई से, तो लंबाई दे रखी है हमको 20, चौड़ाई निकाल लेंगे, भाग लगा देते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 3.37, 3.37 फुट। ठीक, अगर हमारी जमीन एक धुर है यानी कि 67.5 वर्ग फीट है और उसकी लंबाई है 20 फीट, तो उसकी चौड़ाई कितनी आएगी, 3.37 फीट उसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी एक धुर जमीन कितनी होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।